तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सेल, सेल के बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और कुछ फैक्ट्स बताए थे, दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल कौन सा है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल कौन सा है, ऑल दिस हम लोग पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने सेल को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। भाई क्या हुआ, एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो उसके कुछ फीचर दिखाई दे, उसका कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो किस टाइप का था, जब इसमें देखा गया तो इसमें बाहर की तरफ एक झिल्ली भित्ति पाई गई जिसे सेल वॉल बोलते हैं, एक कवरिंग पाई गई जिसे बोला जाता है सेल वॉल, वॉल कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये सिर्फ कहां मिलती है, इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, बाकी आपको प्लांट्स में मिल जाएगी, बैक्टीरिया में मिल जाएगी, एल्गी में मिल जाएगी और फंगस में भी मिल जाएगी, लेकिन एनिमल्स में नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। क्या, इट इज फाउंड इन किसमें, कितने पाई जाती है, प्लांट्स, प्लांट्स, एल्गी, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, शैवाल, बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक। और तो कोशिका का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, सेल वॉल ही होती है, जिनमें भी सेल वॉल है ये क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ सेल। अब कठोर है तो ये क्या करेगा, कोई भी चीज अगर कोई मजबूत चीज किसी चीज के बाहर लगाई जाती है तो उसका क्या मतलब होता है, उसको ये प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट सेल, क्या करता है, सुरक्षा देता है कोशिका, कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक। और क्या करता है, ये प्रोटेक्शन तो देता है और ये क्या करेगा, शेप भी देता है, पौधों को शेप कौन देगा, ये सेल वॉल ही देता है, इट गिव्स शेप, या ठीक है, ये क्या करता है, उसको अपने फीचर्स या साइज शेप कैसा होगा ये किससे डिटरमाइन होगा, सेल वॉल से, यानी कोशिका भित्ति से, ठीक है। अब सेल वॉल क्या होती है, अलग अलग जगह अलग अलग चीजों से बनी होती है, इसके लिए क्या है, सेल वॉल अलग अलग चीज, जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स में, पौधों में ये किसकी बनी होती है, इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, पौधों में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। वही हम बात करें फंगाई में, फंगाई यानी कवक, ये किसकी बनी होगी, काइटिन, ठीक है। हम बात करें एल्गी की यानी शैवाल, एल्गी में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस गैलेक्टोन्स, इसी किसकी बनी है, सेल्यूलोज प्लस गैलेक्टोन्स, ये एल्गी यानी शैवाल में। इसके बाद बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में ये किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन्स, तो क्या पौधों में सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगाई यानी कवक में काइटिन की बनी होती है, एल्गी शैवाल में सेल्यूलोज प्लस गैलेक्टोन्स की बनी होती है, और बैक्टीरिया में पेप्टिडो ग्लाइकॉन्स की बनी होती है। ये अलग अलग सेल वॉल्स हैं जो अलग अलग फीचर जीवों में पाई जाती है, पौधों में कहा जाएगा तो सेल्यूलोज, फंगाई में काइटिन, एल्गी में सेलुलोज और बैक्टीरिया में पेप्टिडो ग्लाइकोन। तो आपको याद रखिए, इनको नोट कर लो। अब इसके बाद अभी हाल में क्वेश्चन पूछा गया था, बैक्टीरिया की सेल वॉल को कलर करने के लिए किस डाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विच डाई इज यूज फॉर
टू कलर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, या रंजक, कौन सा रंजक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्राम स्टेन डाई। क्या बोलेंगे? ग्राम स्टेन डाई। जब आप बैक्टीरिया के सेल वॉल पे ग्राम स्टेन डाई डालोगे, अगर ये कलर पिंक आ गया, कैसा क्या पिंक आ गया, तो इसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव। ठीक है, और पर्पल आ गया यानी बैंगनी, तो इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बताना पड़ा, इसको नोट कर लिया होगा बाकी तो। नाउ नेक्स्ट वन इज, जब सेल वॉल से एक अंदर बढ़ते हैं तो हमें एक लेयर और मिलती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये इसकी खोज किसने की? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्रैंडल। ग्रैंडल ने कोशी कहां पे? इन आरबीसी। इसका नाम किसने रखा? डिस्कवर्ड। इसकी खोज किसने की? ग्रैंडल ने की आरबीसी में। इसका नाम किसने रखा? नामकरण क्रैमर ने किया। इट वॉज नेम्ड बाई क्रैमर। अब इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो, सेल मेम्ब्रेन भी कह देंगे, प्लाज्मा लेमा भी बोल देंगे, और क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। अब क्या बताओ, सेल जो मेम्ब्रेन है कहां कहां पाई जाती है? प्लांट्स में या एनिमल्स में? किसमें पाई जाएगी? दोनों में। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। अभी बनी किसकी है? इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स। अभी फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं वसा, फैट्स, और फैट्स के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप लग जाए तो क्या बनाता है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो ये क्या है? फैट्स यानी वसा प्लस फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट का सिंबल क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप का फॉस्फेट का PO3 PO4 माइनस। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी संरचना कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर है बाई लेयर्ड यानी द्विपरती संरचना है। लिख लो, यह एक द्विपरती संरचना है। इट इज अ बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर। बाई लेयर स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को किसने दिया? सिंगल एंड निकोलसन ने। स्ट्रक्चर गिवन बाई सिंगल एंड
निकोलसन नाम होंगे। हाँ ठीक है, और इस मॉडल को इन्होंने एक नाम दिया था फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या होता है? इट इज लाइक योर बर्गर, ऊपर बन, नीचे बन और बीच में ढेर सारा आइटम भरा हुआ है। ऐसे इसमें क्या होगा, अभी किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, तो ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है ऐसे, और नीचे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा ऐसे, और ऐसे करते हुए पूरे में लेयर बनी होती है। ये कह रहे हैं ये फॉस्फेट लगे हुए हैं। अब ये जो फॉस्फेट दिख रहा है, इसका जो अपर पार्ट है, अगर एक फॉस्फेट को हमने बाहर निकाल लिया, इसमें ऊपर वाले पार्ट को हेड बोलते हैं और इस नीचे वाले पार्ट को टेल। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब पानी लवर, किसी से भी प्यार हो। फिलिक जब भी लिख के आएगा तो लवर, यानी फोबिक लिख के आएगा तो डर होगा। तो इसका क्या होता है, जो अपर पार्ट है सोल्यूबल इन वॉटर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हमने जो इसका हेड पार्ट है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करने वाला, और नीचे क्या है, हाइड्रोफोबिक। ये क्या होगा, पानी में आग घुलनशील होगा, ये पानी में घुलनशील होगा। अब जब ये पानी में घुलनशील है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पोलर यानी ध्रुवी, और ये अध्रुवी। कोई दिक्कत है, नोट कर लो, इसको हम पूरा फिगर बना लो। अब ये जो लेयर है ये कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, जब ये किसी खास चीज को ही बाहर जाने देती है और किसी खास चीज को ही अंदर आने देगी। ऐसा तो नहीं कि भाई अगर सारी चीजें अंदर चली जाएंगे, सारी चीजें बाहर चले, तो कुछ दिनों बाद इसके बीच में जो अंदर मैटर बना वो क्या हो जाएगा, भाई बाहर चला जाएगा, और या कुछ भी चीज जब बाहर से अंदर आ जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, भाई हमारे अंदर भी शहर है। तो इसे क्या होती है, ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या करती है, इट रेगुलेट्स द इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये अणुओं के बाहर और अंदर जाने की गतिविधि को नियंत्रित करती है। इट रेगुलेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यह अणुओं के अंदर और बाहर जाने की गतिविधि को नियंत्रित करती है। यह अणुओं के अंदर और बाहर जाने की गतिविधि को नियंत्रित करती है, कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन। तो इसके क्या क्या नाम बताया मैंने, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की, ग्रैंडर ने की। इसका नाम किसने रखा, क्रैमर ने रखा। ये कैसे स्ट्रक्चर है, बाइलेयर स्ट्रक्चर है, द्विपरती संरचना है, जिसके बारे में किसने बताया था, सिंगल और निकोलसन ने बताया, और जिसके लिए एक मॉडल का यूज किया था, जिस मॉडल का नाम क्या था, फ्लूइड मोजेक मॉडल। कोई दिक्कत, ये बनी किसकी है, फॉस्फेट ग्रुप की, फॉस्फोलिपिड की,
जिनमें क्या होता है अपर पार्ट हेड वाला हाइड्रोफिलिक होता है, लोअर पार्ट टेल हाइड्रोफोबिक होता है। कोई दिक्कत? ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि अंदर और बाहर जाने की गतिविधि को नियंत्रित करता है। अब इसकी विड्थ की बात करें, ये कितनी चौड़ी होगी? इट इज इट्स विड्थ इज 75 एंगस्ट्रॉम और 7.5 नैनोमीटर। अब एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर पता है ना, एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 की पावर -10 और नैनोमीटर 10 की पावर -9। सेल मेम्ब्रेन चौड़ाई, हाँ सेल मेम्ब्रेन की विड्थ, सेल मेम्ब्रेन की मोटाई। ठीक है, ये नोट कर लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया? सेल वॉल पढ़ ली, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अब इसके बाद जब हम थोड़ा और अंदर गए तो इसमें हमें क्या मिला? इसके अंदर लिक्विड मिला और ढेर सारे बॉडी ऑर्गेन्स मिले। सेल में भी अपने अंग है, कोशिका के अंग है, तो जिसे हम दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव। जीव द्रव में दो चीजें होती हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और दूसरा क्या होता है सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग, कोशिका के अंग। ठीक है, अब ये देखो सेल में क्या है, ढेर सारा लिक्विड भरा हुआ है और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। ये बात यही खत्म हो गई कोशिका द्रव। अब दूसरा क्या है सेल ऑर्गेनल्स। अब कोशिका में ढेर सारे अंग हैं भैया, यहां पे केंद्रक है यानी न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा, ईपीआर दिखाई देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी दिखाई देगी, लाइसोसोम दिखाई देंगे, सेंट्रोसोम दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं जितने भी इनके बॉडी ऑर्गन्स है सेल के वो कहां आएंगे? सेल ऑर्गेनल्स में। तो क्या बॉडी ऑर्गन्स ऑफ सेल, कोशिका के सभी अंग कहां आते हैं? ऑर्गेनल्स में आते हैं। बस हमको इसमें इतना ही जाना था। तो सबसे पहले हम जिस अंग की बात करने जा रहे हैं वो अंग है न्यूक्लियस यानी केंद्र। हम सेल ऑर्गेनल कैसे पढ़ रहे हैं? हाँ, तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। भैया यहां बुक नहीं है, कौन से है? ब्राउन है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। क्या है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। अच्छा, अब ये बताओ ये पौधों में बड़ा होगा कि जंतुओं में? और पेड़ बड़े होते हैं, सीधी सीधी बात है, तो पेड़ बड़े होते हैं तो पेड़ों में बड़ा होता है और जानवर छोटे होते हैं तो जानवरों में छोटा होता है। ठीक है, इट इज लार्जर इन प्लांट्स पादपों में बड़ा होता है और स्मॉलर इन एनिमल्स जंतुओं में छोटा होता है।
अब देखो कोशिका में जितनी भी गतिविधियां हो रही होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. ऑल द एक्टिविटीज इन सेल आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस. और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल, कोशिका का मैनेजर या नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ सेल. कोई दिक्कत? इसको नोट कर लो. अब देखो क्या, अब सेल के अंदर आए, सेल में क्या होता है, अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर गए, जितना भी टोटल है लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट, इसको टोटल मिला क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. अब इसमें जो लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है, तरल हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव. और जो सॉलिड है या बॉडी पार्ट है, उनको हम कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. अच्छा, हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ा? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की. यह क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, पौधों में बड़ा होता है, जंतुओं में छोटा होता है. ठीक है. और क्या करता है? जितनी भी गतिविधियां होती है कोशिका की, कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक या न्यूक्लियस. इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल, नियंत्रक कहा जाता है. कोई दिक्कत नहीं. अब ये कहां नहीं पाया जाता है? ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है. इट इज नॉट फाउंड इन आरबीसी एंड सीड सेल. प्लांट्स में भी कहां नहीं पाया जाता? प्लांट्स में जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम की सीड सेल्स में, वहां ये नहीं पाया जाता है. फ्लोएम की सीड सेल्स में, सीड कोशिकाओं में और आरबीसी में ये अनुपस्थित होता है. इट इज एब्सेंट इन सीड सेल्स ऑफ प्लांट या फ्लोएम एंड आरबीसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीड सीड एस आई ई वी ई सीड सेल. हाँ, सेल सेल है एक टाइप की. अब क्या हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स होती है, वैसे प्लांट्स में भी अलग अलग सेल होती हैं. तो इसमें भी प्लांट में जो फ्लोएम वाला पार्ट है, प्लांट फ्लोएम में सीड सेल्स होती हैं, तो उनमें ये नहीं पाया जाता है. आगे बढ़ते हैं. अभी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चार भाग होते हैं. कितने पार्ट होंगे? चार पार्ट. इट हैज फोर पार्ट. न्यूक्लियस हैज फोर पार्ट्स. सपोज दैट ये आपका एक बड़ा सा न्यूक्लियस हो गया. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है? इसके बाहर एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली, या कई बार इसको न्यूक्लियर एनवलप बोल देते हैं. जब किसी भी चिट्ठी को आप भेजो तो उसके ऊपर लिफाफा होता है, तो वैसे ये क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर एक लिफाफा है जिसे क्या कहा गया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब ये क्या करती है? ये जो न्यूक्लियस है इसको सुरक्षा देती है. और ये किसकी बनी है? लाइपोप्रोटीन्स. इट इज मेड ऑफ लाइपो प्रोटीन्स. लाइपो प्रोटीन क्या होते हैं? लिपिड्स प्लस प्रोटीन. लिपिड यानी वसा के साथ जब प्रोटीन मिलते हैं तो क्या बनाएंगे? लाइपो प्रोटीन. अच्छा, ठीक है. तो भैया अब ये बताओ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये कहां पाई जाती है? कल हमने पढ़ा था केंद्रजीते उसमें प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होती है, उसमें उपस्थित होती है. तो लिख लो, इट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक बट फाउंड इन यूकैरियोटिक. यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
नहीं पाई जाती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। हम लोग इसमें अंदर बढ़ते हैं और अंदर बढ़े तो इसमें भी क्या है, एक फ्लूइड भरा हुआ है यानी एक तरल जिसे कहा जाता है न्यूक्लियो प्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। ठीक है, क्या भरा है, एक द्रव्य भरा है जो केंद्रक के बीच में है। जब केंद्रक के नीचे बना तो उसे क्या कहा गया, केंद्रक द्रव्य कहा गया। और ये इसका कलर कैसा होता है, इट इज कलरलेस, यह रंगहीन होता है। ठीक, कैसा होगा, ये रंगहीन होता है। और इसी न्यूक्लियोप्लास्ट में हमें क्या मिलता है, डीएनए, सॉरी आरएनए प्लस प्रोटीन्स प्लस एंजाइम्स। ठीक है, या और भी कहते हो इसी के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है, इसी के अंदर बाकी जितनी भी चीजें मिलेगी तो हमें अंदर ही मिलेंगी, डीएनए भी हमें अंदर मिलेगा, डीएनए कहते हैं, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम अब इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा गुच्छा होता है, मतलब बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गए, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गए। अब केंद्रिका जो है, केंद्रिका में क्या होता है, जो सेल विभाग सेल डिवीजन की प्रक्रिया यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम हियर, सेल डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो क्या होगा, और इट इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये कब दिखेगी हमें, जब कोशिका विभाजन हो रहा होगा, यह कोशिका विभाजन के समय दिखती है। इट इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब इसके बाद हम जो लास्ट पार्ट की बात करेंगे उसे बोलते हैं क्रोमैटिन। लास्ट पार्ट है क्रोमैटिन। अब यहां क्या होंगे, अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ढेर सारे, क्या होते हैं क्रोमैटिन होते हैं, ये कैसी होती है, ये धागे जैसी संरचना, सॉरी धागे जैसी संरचना होती है, इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसकी खोज किसने की, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई फ्लेमिंग। खोज किसने की, फ्लेमिंग ने की। ठीक है, अब ये क्या है, ये किसके बने होते हैं, दीज आर मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड,
ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, कोई दिक्कत? और ये बात किसने कही कि ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं? ये बात कही फ्रेडरिक मिशर ने, किसने बताया? फ्रेडरिक मिशर ने, ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब इसकी जो स्ट्रक्चर है दो तरीके की होती है, ठीक है, दो तरीके की होती है, एक को नाम दिया जाता है डीएनए, एक को नाम दिया जाता है आरएनए, क्रोमेटिन के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, हाँ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो वैसे तो जो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक एसिड फ्रेडरिक मिशर ने, तो इसका पूरा नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसकी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, खोज दोनों की फ्रेडरिक मिशर ने की, लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब इनकी संरचना की बात करते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका डबल हेलिक्स है, क्या द्विकुंडली संरचना है, और इसकी सिंगल हेलिक्स है, यानी एक कुंडली संरचना है, और इस स्ट्रक्चर की खोज किसने की? वॉटसन और क्रिक ने, वॉटसन ने क्रिकेट खेलते खेलते खोज दिया, लेकिन वॉटसन को जानते रिटायर हो गया, ठीक, तो किसने खोज की? इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की द्विकुंडली संरचना किसने की? वॉटसन एंड क्रिक ने, ये क्रोमेटिन के टाइप से बोल सकते हैं इनको, हाँ बोल सकते हैं, ये क्या है? द्विकुंडली संरचना है, और इसकी जो स्ट्रक्चर की बात की है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सिंगल हेलिक्स यानी एक कुंडली, और इसकी खोज किसने की? इसका फ्रेडरिक मिशर ने की, कोई दिक्कत यहां तक? इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, क्या है? ये डबल हेलिक्स है, ये सिंगल हेलिक्स है, अब इनको और क्या कहा जाता है? इन दोनों के साथ बायोमोलिक्यूल्स भी कह देते हैं, यहां जैव अणु, ठीक है, इनको जैव अणु भी कहा जाता है, दोनों ही कहे जाएंगे एक साथ कहते अलग अलग कहते, दोनों बायोमोलिक्यूल्स हैं, यानी बायो मॉलिक्यूल्स। और क्या, इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, किसके बने होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, और पॉली का मतलब क्या है? जब बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती है तो पॉली बन जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे पॉली न्यूक्लियोटाइड से बन गया, जिसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियो पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किसका किसका बना होता है? देखो एक शुगर होगी यानी शर्करा प्लस नाइट्रोजीनियस बेस नाइट्रोजन युक्त क्षार, प्लस एक फॉस्फोरिक फॉस्फेट ग्रुप,
तो इतनी चीजें जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, दोनों ही चीजें बनके मिले होते हैं। हाँ, ये फॉस्फेट ग्रुप की जगह आप फॉस्फोरिक एसिड लिख सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। अगर फॉस्फोरिक एसिड लिख के आ जाए तो ये एनडीए सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड किसके किसके बने होते हैं। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स नाम है, ये दोनों भी यूज करते हैं डीएनए आरएनए। हाँ भैया दोनों है, इसकी अलग अलग ढेर सारी शुगर्स लगी हुई है इसमें, इसलिए। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स है और ये क्या है? सिंगल हेलिक्स है। इसको कहा जाता है डीएनए को डी ऑक्सी राइबोज शुगर कहा जाता है, डी ऑक्सी राइबोज। ठीक है, वैसे डाई पढ़ लोगे तो तुम्हें याद रहेगा, डाई का मतलब डबल हेलिक्स दो होती है। ठीक है, डाई मतलब दो, डबल हेलिक्स कह दो, यहां मतलब दो शुगर। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो शुगर होती है उसमें कार्बन कितने होते हैं? पांच, पांच कार्बन होते हैं, इसलिए बोला जाता है इसको पेंटोज शुगर। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये डीएनए की बात की हमने। ठीक, यहां कोई दिक्कत है? और इसमें जो आरएनए में शुगर पाई जाती है इसको बोलते हैं राइबोज शुगर। पेंटोज, अगर छह कार्बन होते तो कितनी हो जाती? हेक्सा हो जाती, सेवन हेप्टा हो जाती, नाइन ऑक्टा, नाइन नैनो। इसको नोट कर लिया, करो नोट। तो ये क्या है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। इसमें क्या है? पेंटोज शुगर। इसमें आगे दो लगा दो, इसमें दो होंगी, या दूसरे नंबर पे क्या लगा होगा? कोई ग्रुप लगा होगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? वन पेंटोज शुगर, वन पेंटोज शुगर। अगर आपको राइबोज शुगर की जगह पेंटोज दिख जाए तो भी सही होगा, दोनों एक ही सब्सटेंस के दो अलग अलग नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे बढ़े। कल मैंने बताया था आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन कहां मिलता है? यूकैरियोटिक में। ये भैया डीएनए के साथ मिलता है। डीएनए के साथ जब प्रोटीन मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉरी, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। तो डीएनए के साथ जब क्या मिल जाए? एच प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन मिल जाए तो ये क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। तो भैया डीएनए में तो हिस्टोन प्रोटीन होता है बट आरएनए में नहीं होता है। तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और आरएनए में नहीं होता है। लिख लो, डीएनए में लिखो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट और आरएनए में लिखो हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। हिस्टोन का हिस्टोन, हाँ, इंपॉर्टेंट बात, डीएनए कहां कहां पाया जाता है? डीएनए कहां कहां पाया जाता है? कहां मिलेगा? न्यूक्लियस में मिलेगा, केंद्र में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, एनर्जी हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद प्लांट सेल, प्लांट सेल में भी कहते हैं तो क्लोरोप्लास्ट। या इसी को बोलते हैं क्या? पर्ण। अरे पादप कोशिका,
केंद्रक। ये कहां कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और डीएनए एब्सेंट कहां है? प्रोकैरियोटिक में, आरबीसी में और जाइलम के, और प्रोकैरियोटिक में भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो तुम ले सकते हो एब्सेंट कहां कहां है। अगर अभी ऊपर लिखा था जहां हमने बताया था कि आरबीसी में एब्सेंट होता है, प्लांट फ्लोएम के सीड सेल्स में एब्सेंट होता है, वहीं पे तुम ये भी लिख सकते हो प्रोकैरियोटिक में भी एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक। और वहीं हम बात करें डीएनए, डीएनए कहां कहां मिलता है? नहीं, डीएनए हमें मिलेगा न्यूक्लियस में, सॉरी आरएनए। एक तो न्यूक्लियस से मिलता है कोई दिक्कत, और दूसरा साइटोप्लाज्म, केंद्र में मिलेगा। और कोशिका द्रव्य में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। सर देख लो कहां कहां मिलता है। डीएनए मिलेगा न्यूक्लियस, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पादप कोशिका या पर्ण हरित, एक ही बात होती है दोनों में, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर ही क्या मिलता है, पर्ण हरित मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। फिर इसके बाद आरएनए हमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में मिलता है। अब इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। अभी हमने क्या बात की थी कि जो डीएनए और आरएनए है इनमें क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, होते हैं। तो नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो दो टाइप के हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार। इधर दो प्रकार के हैं, कौन कौन सा? एक तो होता है प्यूरीन, दूसरा क्या होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन। अभी आपके जो प्यूरीन है इसमें दो आते हैं, कौन कौन सा? एडिनिन और ग्वानिन। या फिर किसमें आएंगे? प्यूरीन में आएंगे। इसके बाद बचते हैं तीन, एक तो थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिन, ऐसे लिख के आता है। दो होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, एक प्यूरीन होता है, दूसरा पिरिमिडीन होता है, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिन। अब देखो जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे, तो यहां पे क्या होता है, एडिनिन जो है डबल बॉन्ड थाइमीन के साथ जुड़ा होता है, और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ जुड़ा रहता है। तो याद रखना एटीसीजी, 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 ऐसे अल्टरनेट पूरे में लगे होंगे, जितने चाहो उतने लगा लो। ये पूरे में ऐसे बने कोई दिक्कत? अभी जो तुम्हारा डीएनए है, डीएनए का जो एक हेलिक्स होता है, एक हेलिक्स दिख रहा है, इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। एक भैया दो, दूसरे को चार। अरे वही दबड़ा रहे ना, रुको अभी समझ आ जाएगा। एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक। और इसका जो डायमीटर होता है, ये दिख रहा है डायमीटर, इसकी लंबाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो तुम्हारे बॉन्ड बने हुए हैं, ए डबल बॉन्ड पी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी,
ये कितनी दूरी पे लगे होते हैं, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम पे लगे होते हैं। तो भैया एक हेलिक्स में कितने आ जाएंगे? 10। अच्छा, एक हेलिक्स में 10 ऐसे बॉन्ड आ सकते हैं। अब कोई समस्या? ये दोनों मतलब एडी और सीजी के बीच डिस्टेंस यहां तक कोई समस्या हो तो इसकी क्या, एक हेलिक्स की दूरी, एक कुंडली की दूरी, लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, दो बॉन्ड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। लिख लिया। अब इसके बाद आगे बात करें, इसको नोट कर लो। तो आपको याद रखना है कि एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन से जुड़ा होता है। ये आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, अब हम जरा आरएनए का स्ट्रक्चर देखें। आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। और यहां पर कुछ नहीं, सिर्फ हमें यह ध्यान देना है कि एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड थाइमिन की जगह यूरेसिल लग जाता है, बाकी साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन ही रहेगा। ए डबल बॉन्ड यू सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड यू सी ट्रिपल बॉन्ड जी। तो ऐसे आपको याद रखना, ये पेपर में अभी पूछा गया था कि थाइमिन को कौन सा नाइट्रोजन बेस रिप्लेस करता है, अच्छा यूरेसिल, यूरेसिल को, या क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। तो ध्यान रखना थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है उसमें। अब आगे बढ़ते हुए तो हमने कहता डीएनए क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, क्या करता है, ये आपके लक्षणों को आपके बच्चों में ले जाएगा या आपके माता पिता से आप उनके लक्षण आप में डालेगा। कई बार मैंने डिस्कस किया, दो बार भी, कि आपके बाल, हेयर कलर, लंबाई और जो भी चीजें हैं, फीचर्स आपके पेरेंट्स से आपके मैच कर रहे हैं, वो आप किसकी वजह से आई है, जेनेटिक मटेरियल की वजह से आई है। तो क्या होता है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। पहली लाइन में डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी आरएनए की, ये हेल्प किसमें करता है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। अब आरएनए जो होता है, आरएनए तीन टाइप का होता है, एक होता है एमआरएनए, दैट मींस मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए यानी राइबोज आरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए। इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण। ठीक है, अब देखो होगा क्या, हमारे बॉडी में कहीं प्रोटीन की जरूरत है। जब प्रोटीन की जरूरत है हमारी बॉडी में, तो मैसेज जाएगा कहां तक, डीएनए तक जाता है। डीएनए तक गया तो डीएनए क्या करता है, एक आर एमआरएनए बना देता है। ये एमआरएनए जाएगा, पता करके आएगा भैया कितने प्रोटीन की जरूरत है तुम्हें,
वो पता करके आएगा और इसको बताएगा आरएनए को, और यही मेन क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम, प्रोटीन मेकिंग का काम कौन कर रहे थे का आरआरएनए, प्रोटीन बनाने का कार्य आरआरएनए करता है। और जब ये आरआरएनए प्रोटीन बना लेगा तो भैया जो ट्री आरएनए ट्रांसफर आरएनए जहां जरूरत है इसको ये वहां उठा के फेंक आएगा, ठीक है। देख इसकी तरह काम कर रहा है, ये कैरियर की तरह काम कर रहा है, उठा के ले जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। कौन? टीआरएनए। टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन याद कर लो या ट्रांसफर याद कर लो, बट याद रखो पेपर में आएगा तो तुम्हें वनडे एग्जाम में आराम से टिक कर लोगे, कोई दिक्कत याद तक। तो भैया ये आपका डीएनए और आरएनए खत्म हो गया। कल हम बात करेंगे इसकी क्रोमोसोम्स की, यानी गुणसूत्र, ठीक है। तब तक के लिए बाय।